हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है तिल का लड्डू जो कि बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी है। इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी तिल जो कि 250 ग्राम है और इसे हम धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे ताकि हमारा तिल अच्छे से भून जाए और ये भुनने के बाद गोल गोल सा हो जाता है। देखिए, और इसका कलर भी चेंज होगा, तब हमें इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। इसके बाद हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। इसे भी हमें धीमी आंच पे ही रोस्ट करना है ताकि ये जले ना, और इसे चेक करने के लिए हमें इसका छिलका उतार के देखना है। ये छिलका उतरने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा मूंगफली भी भुन गया है। और अब हम लेंगे एक पैन, उसमें एक कप गुड़ डालेंगे और 2-3 चम्मच पानी डालेंगे। जब हमारा गुड़ चलाते हुए पिघल जाएगा गुड़ को काट कर ही लेना है ताकि ये जल्दी से जल्दी पिघल जाए, और फिर इसे हमें पहले छान लेंगे। छानने से इनमें जो भी कचड़ा रहता है वो निकल जाएगा। इसके बाद हम इसका पाक बनाएंगे। देखिए, ये हमारा गुड़ अब पक चुका है। इसे हम चेक करेंगे पानी में डालकर। अगर ये फैल रहा है तो भी गुड़ हमारा थोड़ा और पकेगा। देखिए, हमारा गुड़ पक गया है। इसमें हम डालेंगे मूंगफली और तिल को भी अभी इसी समय में डाल लेंगे, और इसे हम फ्लेम को भी हम बंद कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद हमें गैस को जलाना है और थोड़ी से 2-3 बार इसे चलाएंगे, और आधा चम्मच हम घी डालेंगे ताकि इसमें चिकनाई आ जाए। और देखिए, अब हम इसके थोड़ा सा ठंडा होने पे हम लड्डू बना लेंगे, और ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। देखिए, हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया। ये बहुत ही यम्मी और मुलायम बना है। ये इसे बच्चे से बड़े तक खा सकते हैं।